जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की ताकत को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से 160 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य मेडिकल उपकरण भेजकर चिकित्सा संस्थानों में 330 बेडों को तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये सुविधा चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को जल्द राहत पहुंचाकर उसे स्वस्थ करने व उसे ठीक करने में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। कोरोना को हराने की लड़ाई में स्वास्थ्य योद्धाओं का ये बड़ा हुआ आत्मविश्वास निसंदेह बड़ी जल्दी ही प्रदेश को कोरोना मुक्त करेगा। अंकुश दत्त शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में हाल ही में हुए शिलान्यास के द्वारा 700 बेडों के ऑक्सीजन बैंक से बाकी बचे 370 बेडों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था अतिशीघ्र हो जाएगी, जिसके लिए हमीरपुर बिलासपुर में स्थापित होने जा रहे ऑक्सीजन प्लांटों के शिलान्यास के बाद काम शुरू कर दिया गया है। इससे पूरे ऑक्सीजन बैंक में कुल 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, हमीरपुर बिलासपुर में 140 LPM के दो व ऊना में एक अन्य जरूरी मेडिकल उपकरण सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदान की जा रही इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से रवाना करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अनुराग ठाकुर को शाबाशी दी है, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम सबका हौसला बढ़ाने और हमीरपुर को गौरवान्वित करने के लिए जिला भाजपा व प्रदेश की जनता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का आभार व्यक्त करती है। कोरोना की लड़ाई में अनुराग ठाकुर प्रदेश की ताकत को बढ़ा रहे हैं। सोमवार को अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से 106 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 160 ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल उपकरण भेजे हैं, जो तत्काल प्रभाव से चिकित्सा संस्थानों में 330 बेडों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे। ये सुविधा चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोरोना के मरीजों की देखभाल कर, उनका उपचार कर, उनको स्वस्थ करने के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही स्वास्थ्य योद्धाओं का, ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास बड़ी जल्दी प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएगा। सोमवार को किए गए 700 बेडों के ऑक्सीजन बैंक के शिलान्यास में से जो बाकी 370 बेड बचे हैं, उनको भी बड़ी जल्दी ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए दो PSA प्लांट हमीरपुर बिलासपुर में जो स्थापित होने हैं उनका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। और इस पूरे ऑक्सीजन बैंक में, जो कि 700 बेडों के लिए होगा, कुल 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य ज़रूरी मेडिकल उपकरण सम्मिलित होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने सोमवार को जब इस सामग्री को दिल्ली से हरी झंडी भेजकर रवाना किया तो उन्होंने अनुराग ठाकुर को बहुत शाबाशी दी है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर व जिला हमीरपुर की जनता की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हम सबको गौरवान्वित करने के लिए व कोरोना की लड़ाई में हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।